सर लम्बे एक मुस्लिम संगठन नहीं था, बिहार और देश के जितने इदारे के उस मुस्लिम संगठन के थे, सभी लोगों ने कानून के तहत जो जो क्लोजर लाया गया गलत तरीके से, उसी को एक्सप्लेन किया जा रहा था, हम भी समझना था, इसीलिए इमारत शरिया, ताकि जो कमिटी बनी है उस कमिटी के लोगों को इस कॉपी दिया जा सके और अपनी बात जो कमिटी पार्लियामेंट्री बनी है उसमें रखकर कि हम किसी भी कीमत पर कोई ऐसी व्यवस्था ना लाए जिससे देश की किसी भी धर्म मजहब जाति के विचारधारा, उसके दरी अधिकार और धर्म के भावनाओं के खिलाफ हो, इसीलिए हम कहते हैं। सर, बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हुए गठबंधन मामले पर सवाल खड़ा कर रहा है कांग्रेस, ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप नीतीश कुमार की लगातार तारीफ करते हैं लेकिन वो आपको बार बार इग्नोर क्यों कर रहे हैं? सर, नीतीश कुमार जी बेचारे, उनको पता ही नहीं है कहाँ जा रहे हैं कहाँ आ रहे हैं। अब एमपी के नाते मेरा प्रोटोकॉल बनता है, उनको बुलाना चाहिए था, और अभी एक राजकीय कार्यक्रम है उसमें भी वहां के मंत्री का नाम है, सांसद का नाम नहीं है, तो इतना डर तो इनके पदाधिकारी को है। नीतीश कुमार को पांड्या के तरह चला रहे हैं लोग, जैसे नवीन दा को चला रहे थे। नीतीश कुमार को पता ही नहीं होगा कि पप्पू यादव मेरे कारण सारे सवाल 20 सालों से एयरपोर्ट की चर्चा नहीं थी, मात्र 20 दिनों के अंदर बिहार में एयरपोर्ट की चर्चा हुई। मात्र 432 करोड़ का प्रोजेक्ट लाए ना, कृपा किए हैं उत्तर प्रदेश अन्य जगहों पर 7, 8, 12 एयरपोर्ट। भैया ये तो आप उनसे ना पूछिएगा कि पप्पू यादव से ही सारे पदाधिकारी और सारे नेताओं को डर क्यों होता, उनसे पूछिए। हम नीतीश कुमार को सम्मान देते हैं, उन्होंने मेरे पूर्णिया में मेरे भावनाओं के अनुकूल और जो मुद्दा मैंने मंत्रालय और सदन में उठाया, आज हमारी जीत पूर्णिया के जनता की जीत है कि नीतीश कुमार 20 साल के बाद सिर्फ पूर्णिया के समीक्षा के लिए गए। और दूसरी बात, राहुल गांधी जी कांग्रेस ने समझौता किया, आप बीजेपी बिहार किए थे मुक्ति मोहम्मद से कि लव अफेयर किए थे कि लव मैरिज था, वो क्या थे? इन्होंने तो विचारधारा के साथ बात की कांग्रेस, राहुल गांधी चाहे ओबीसी का मामला हो, जाति जनगणना का मामला हो, नीड्स का मामला हो, अग्निवीर का मामला हो, या देश बचाने का मामला हो, वो विचारधारा पकड़ते। बीजेपी हमेशा सत्ता के लिए करती और नफरत के लिए करती, और एक के साथ ने उन्होंने तो गुलाम नबी आजाद को भी तोड़ा था, अलगाववादी के साथ तो सबसे पहले सरकार बीजेपी बनाई, आप देखिए ना, पहले बाला साहब ठाकरे का हाथ पकड़ के बड़े, आप उद्धव ठाकरे अच्छे नहीं, पहले नीतीश कुमार जी को गाली दिया इन्होंने। देखिए, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कल के दिन बोल देंगे ये अमुक आदमी का बच्चा भी नेहरू जी का था, राहुल गांधी का था, बीजेपी किसके बारे में क्या बोल देंगे, ये तो झंडे के बारे में बोल रहे। बीजेपी को चाहिए आप बात करिए अग्निवीर की, बात करिए संविधान की, बात करिए देश बचाने की, ये राहुल गांधी का फोबिया और डर बीजेपी को हमेशा क्यों चला रहता है? और बाजे पहले ये अलगाववादी के साथ सरकार बना चुके हैं और आज प्रश्न कर रहे हैं। बारे बार पप्पू जी, आप
बोल रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में, तो किस बैनर तले लड़ेंगे? सर मैंने कहा कि अपना जो उस लायक है जाइए क्षेत्र में काम करिए, हम लोग कांग्रेस के साथ अभी खड़े हैं, हमारा सदन और सदन के बाहर कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ विचारधारा मिलती है। कांग्रेस 3 महीना के बाद हम निर्णय लेंगे कि हम लोग का पूरा विलय कांग्रेस कब स्वागत करती है वो उन पर है, हम लोग कांग्रेस के साथ। सर दलित और माइनोरिटी ईबीसी गाली सुनने, लाठी चार्ज होने और अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए पैदा हुई है, किस पर चार्ज होगा? खुद आवाज, खुद मरने और बलात्कार जैसी घटना के लिए ही हम लोग बने हैं, शोषण के लिए ही बने हैं और अपनी राइट की बात ही नहीं करते हैं और बीजेपी के साथ खड़े हो जाते हैं, ये उनसे ना पूछिएगा। सर आप इंडिया गठबंधन में अभी हैं वर्तमान में, अगर इंडिया गठबंधन में हैं तो बिहार से चेहरा किसको मानते हैं? भैया अभी हम ना 3 ना 13 ना अभी मटकोर हुआ, ना बिहार का लगन है, ना मुंह दिखाई हुआ, और अभी हम ही तय कर लेंगे इंडिया गठबंधन क्या करेगा, बड़ा बड़ा नेता, हम 3-13 में नहीं, हम कांग्रेस के साथ अभी स्टैंड है मेरा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रति मेरा सम्मान है, वैचारिक और राजनीतिक रूप से हम अभी राहुल गांधी जी के साथ, नहीं कोई पार्टी नहीं जी। सर सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर श्याम जी ने पार्टी छोड़ दिया है कैसे? भैया मैं इतने जानता हूँ राजद में कौन रहेंगे नहीं रहेंगे वो जाने, श्याम भाई क्यों थे, अच्छे आदमी थे, क्यों चले गए, कहाँ जाएंगे, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं इतना जानता हूँ कि कांग्रेस को मजबूत करना है और कांग्रेस के साथ खड़ा रहना। भैया प्रशांत भाई के बारे में हम प्रवक्ता हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, भाई हैं, हर आदमी को अपना राइट है, उस 70 मुसलमान को दे, दलित को दे, या बिहार की राजनीति में सबको अपनी लाइफ तलाशने की पूरा अधिकार है और वो भी अपनी राजनीति कर रहे हैं, उनमें हमें क्या लेना देना, वो करें। बिहार को एक नई दिशा चाहिए और बिहार कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, बिहार कहीं नहीं देख रही है, सिर्फ कांग्रेस की तरफ देख रही है, ना ना एनडीए की तरफ देख रही है और ना राजद की तरफ देख रही है, कांग्रेस की तरफ देख रही है। एक सवाल है, आपने कहा पूरा विलय होंगे, पूरा विलय क्या होता है? पूरा विलय कांग्रेस में पूरा विलय कब होंगे आपने ये कहा? हम कब होंगे पूरा विलय? जब पहले पार्टी का पूरा बजाबते पूरे जिला अध्यक्ष साथी जो 1 लाख से ऊपर वर्कर है 2 लाख उन सारे का समायोजन सामंजस्य। अभी तो मेरा मोरली चुनाव इंडिपेंडेंट जीते हैं, सपोर्ट मैंने वैचारिक संवैधानिक रूप से किया है, जब पूरी पार्टी का सदस्यता सदाकत आश्रम में जब सम्मानजनक होगा तो पूरा विलय होगा। उनके जो अधीक्षक है वो मिलते नहीं है पत्रकारों से, के इनके अध्यक्ष पीएमसीएच के अधीक्षक जो, अरे अधीक्षक कहाँ से मिलेंगे, यही लोग लूटते हैं, यही लोग रखवाला है, क्या बात करते हैं। डॉक्टर अच्छे होते हैं, सिस्टम बहुत खराब है मेडिकल का और इसके खिलाफ जंग होगा। कांग्रेस जो है वो बिहार में तेजस्वी यादव को नेता मानती है, आप मानेंगे? भैया हम कांग्रेस के साथ हैं, किसी को नेता नहीं मानते, राहुल गांधी के अलावे। कांग्रेस अगर सम्मान देती है तो बिहार इस देश में राहुल गांधी के अलावे नीतीश कुमार का सम्मान करते हैं और रियल में एक अपना अच्छा भाई, अच्छा वैचारिक लीडर राहुल गांधी के अलावे किसी को नहीं। लालू यादव परिवार हैं, गार्जियन हो सकते हैं, उसमें कोई लालू यादव मुलायम सिंह यादव जी में कोई बातचीत नहीं, रामविलास जी नीतीश कुमार, मैंने पहले भी आपको कह दिया है
नीतीश कुमार मेरे सम्मानजनक नेता भी हैं, भाई भी हैं। लालू और मुलायम सिंह जी कंप्लीट रूप से मेरे पिता की तरह थे, हैं, रहेंगे। बंगाल के हालात बने हैं, उसको लेकर बंगाल में क्या बन गया? डॉक्टर माफिया न मारा हो, सुपरिटेंडेंट मिल के न मारा, ड्रग्स माफिया न मारा। सरकार पे भी सवाल उठ रहा है भैया, सरकार तो दे दिया, इंक्वायरी करिए सीबीआई, सरकार क्या करेगी? नीतीश कुमार के यहाँ 4 बलात्कार हुआ और अभी महाराष्ट्र में 3 बलात्कार हुए हैं, तो सवाल किस पर खड़ा होगा? और उत्तराखंड में कौन है बीजेपी? और महाराष्ट्र में 2 बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, कौन है बीजेपी? बलात्कार में भी ममता नीतीश है, अब पार्टी करिएगा सिस्टम। बिहार का जो पदाधिकारी और सिस्टम है, ये लूटने में लगे हुए हैं, इनको बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी के आर में पूरा पदाधिकारी घर भर रहा है। मैं पटना में बैठे 40 साल जो सिंगला कंपनी को प्रोटेक्ट करती है, ब्लैकलिस्टेड सिंगला कंपनी को अलग कंपनी बना करके 10,000 करोड़ का काम दी हुई है, RWD को लूटा है, जिन सेक्रेटरी ने PWD को, जो जो मंत्री हैं और पदाधिकारी, उसकी इंक्वायरी की मांग करता हूं। सीधा 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 इसमें नीतीश जी या कोई फलना जी नहीं हो सकते। क्या भैया, मैं इतने जानता हूं, लालू जी हमारे परिवार हैं और लोगों से मेरा दूर दूर तक नदी के 2 किनारे हैं, बेचारी ग्रुप।